हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। और हमने लास्ट क्लास में मगध के पूरे इतिहास को पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कैसे बाहर के आक्रमणकारी आकर के उत्तर पश्चिम भारत में बस गए और उनका क्या इन्फ्लुएंस था, इससे भी क्वेश्चन आता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये जानना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले आप देखेंगे कि बैक्ट्रिया, बैक्ट्रियंस जो आए, क्लियर। तो बैक्ट्रियंस कहाँ के थे? तो बैक्ट्रियंस जो थे वो बैक्ट्रिया में शासन करते थे और सीरियन एम्पायर, यहां से उन्होंने अपने आप को अलग किया। और डेमेट्रियस ये जो है, ये क्या किया, डेमेट्रियस आकर के सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब, डेमेट्रियस अटैक किया कहाँ, पंजाब एंड अफगानिस्तान, यहाँ पर उन्होंने अटैक किया। और तक्षशिला में अपने दो क्या भेजे, उन्होंने कमांडर्स भेजे, एक अपोलोडोटस और एक था मिनांडर, जिसे मिनांडर या मिलिंद कहा जाता था, मिलांडर। इनका जो कैपिटल था, मिलिंद की जो कैपिटल हुई, राजधानी हुई, वो थी हमारी सकाला या फिर इसे सियालकोट। देखिए थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न हिस्ट्री भी जरूरी है, इनका प्रभाव जो है वो इंडिया में आपको दिखेगा। तो मिलिंद से क्या है, मिलिंद पनहो, ये इम्पॉर्टेंट चीज है जो पूछता है। मिलिंद पनहो ये एक क्वेश्चन आयर है, नागसेन जो कि क्या है, नागसेन एक विचारक है, और उनसे क्या करते हैं, मिलिंद ने प्रश्न पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, और इसी को ही मिलिंद पनहो नाम से लिखा गया है। और मिलिंद पनहो कौन सी भाषा में है, तो पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में ये प्रश्नोत्तरी है। मिलिंद के प्रश्न इस नाम से आपको हिंदी में मिलेगा, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हेलियोडोरस नाम के जो एक और आपको मिलेंगे, हेलियोडोरस जो कि क्या है, ग्रीक एम्बेसडर हैं, वो इंडिया में आते हैं, मतलब भारतवर्ष की भूमि पर आते हैं और वैष्णवाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वैष्णव धर्म वो अपना लेते हैं। और बेस नगर में क्या बनाते हैं, एक पिलर बनाते हैं, जिस पर यहाँ पर क्या बने रहता है, गरुड़ पिलर जो कि विष्णु भगवान का वाहन है, उनको ये बनाते हैं, गरुड़ पिलर बेस नगर का, बहुत फेमस है ये गरुड़ पिलर। और कौन बनाए थे, तो किसने बनवाया, हेलियोडोरस, ग्रीक एम्बेसडर है, क्लियर। यहां से क्वेश्चन आपको आएंगे, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बैक्ट्रियंस में ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे जो अगले हमारे शासक आने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज शकों का जो शासन था वो कहाँ था, आपके बैक्ट्रिया और पार्थिया को इन्होंने क्या किया, अटैक किया, बैक्ट्रियंस के ऊपर अटैक किया, ये शक जो है बैक्ट्रियंस पे अटैक करते हैं, पार्थिया पे भी अटैक करते हैं और इनको क्या करते हैं, जीतते हैं। तो शकों के लिए या सीथियंस, इनको और क्या कहा जाता है, सीथियंस भी कहा जाता, सॉरी SCYTHIANS, सीथियंस कहा जाता है, सीथियंस या शक, ये क्या करते हैं, दो पार्ट में रूल करते हैं, नॉर्दर्न सत्रप और वेस्टर्न सत्रप, इनका जो शासन है ये दो भाग में बटा हुआ था, नॉर्दर्न सत्रप और वेस्टर्न सत्रप। नॉर्दर्न सत्रप जो था वो तक्षशिला से रूल किया जाता था, तक्षशिला उसके जो थी, और वेस्टर्न सत्रप जो है वो महाराष्ट्र से रूल किया जाता था,
क्लियर है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। देन भारत में इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर जो हैं सकों के, वो कौन है? तो वो है माउस, माउस या मैउस, आप जैसा प्रोनाउंस करें, नाम याद रखना है, फाउंडर है क्योंकि ये आदि पुरुष जिनको आप बोलते हैं। इनका जो सन है, इनके जो बेटे हैं वो कौन है? इनके बेटे हैं एजिस फर्स्ट, एजिस प्रथम, एजिस प्रथम। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने विक्रम एरा, विक्रम एरा चालू कराया, फाउंड किया, फाउंडेड द विक्रम एरा, फाउंडेड द विक्रम एरा, एजिस प्रथम, ये नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैं टच कर रहा हूं यहाँ, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि ये हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल काम का है। और तक्षशिला का जो रूल है वो पार्थियंस ने फिर इनसे जीत लिया। तक्षशिला मतलब आप कहाँ पे चले गए, मतलब आप आ गए, तक्षशिला मतलब नॉर्दर्न सत्रप। तक्षशिला का जो रूल है वो पार्थियंस, पार्थियंस ने इनसे ले लिया, मतलब ये अब पार्थियंस के पास चला गया है। ये सारा चीज क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो रूलर आने वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट रूलर हैं कि आप इनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। और उनका नाम है, उनका जो सॉरी उनका जो डायनेस्टी का नाम है वो है कुशांस, कुशानास, रूलर और डायनेस्टी है कुशान, कुशाण वंश जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। ये यूची ट्राइब, यूची कबीले के ब्रांच है और ये सेंट्रल एशिया से एक्चुअली आए हुए हैं, सेंट्रल एशियन ब्रांच, मध्य एशिया के जो यूची ट्राइब है उसकी एक शाखा है ये, आप बोल सकते हैं ऐसा। और बैक्ट्रिया में शकों को इन्होंने पराजित किया, इन्होंने किसको पराजित कर दिया है, इनको, शकों को पराजित कर दिए और बैक्ट्रिया में। इनका जो फाउंडर है, फाउंडर है वो है कुजुल कडफिस, कुजुल कडफिस, कुजुल कडफिस और कडफिस फर्स्ट। इनका आजकल आप देखेंगे कि जो नाम है वो ऐसे नहीं रखे जाते, पहले ऐसे रखे जाते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, आजकल ऐसा नहीं होता। तो कुजुल कडफिस या कडफिस फर्स्ट ये इनके फाउंडर हैं, इनके कुशाण वंश के भारत में, और काबुल वैली को ये ऑक्यूपाई करते हैं और कॉइन्स इशू करते हैं। ये क्या करते हैं? कॉइन्स इशू करते हैं, कॉइन्स इशू किए अपने नाम से, क्लियर है। इनका जो सन हुआ, इनका जो बेटा हुआ वो हुआ वीमा कडफिस, वीमा कडफिस या कडफिस सेकंड, कडफिस सेकंड, क्लियर। वीमा कडफिस या कडफिस सेकंड ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया को मथुरा तक पूरा कैप्चर कर लेते हैं और सोने के सिक्के ये चलाते हैं, गोल्ड कॉइन्स। आपको याद रखना है कि भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले सबसे पहले जो शासक थे वो थे कुशाण शासक, और किसने चलाया था? तो कडफिस द्वितीय ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया में इसके पहले गोल्ड कॉइन्स का चलन नहीं था, कुशाणों ने आकर के भारत में सोने के सिक्के जो है वो चलवाए थे। देन ये शैव थे। और इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं दैट इज कनिष्क, ये आपको बिल्कुल पढ़ करके जाना है, कनिष्क ये बिल्कुल आप छोड़ के नहीं जाएंगे। कनिष्क मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कुशाण डायनेस्टी, इनका जो रूल था वो था 78 टू 120 एडी, या इसी को आप क्या बोलते हैं, कॉमन एरा, सीई बोलते हैं, 78 टू 120 सीई कॉमन एरा। और 78 में ही इन्होंने क्या फाउंड किया था? शक एरा को फाउंड किया है, मतलब शक एरा, शक संवत चलाया 78 एडी, जैसे ही ये क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शक संवत किसने चलाया और कब? तो 78 ईस्वी में किसने चलाया? कनिष्क ने। कौन से शासक हैं ये? कुशाण वंश के शासक हैं। अब कनिष्क ने क्या किया? तो कनिष्क ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशंस किए, मगध को जीता और पाटलिपुत्र और बोध गया तक वो चले गए, कश्मीर तक वो गए, गैंजेटिक प्लेन में उन्होंने किया। और चाइनीज जनरल, उनका नाम है पंचो, चाइनीज जनरल है ये, इनको भी इन्होंने हराया, चाइनीज जनरल है, इनको भी इन्होंने हराया। फिर
कशगर, यारकंद और खोतुम, यहाँ तक भी वो गए, वेस्ट में वो गंधार तक गए और बनारस में ईस्ट, इतने दूर तक उनका शासन था। और उत्तर में अगर बात करें तो कश्मीर तक, और दक्षिण में बात करें तो मालवा तक। इनकी जो राजधानी है वो इम्पोर्टेंट है, कैपिटल इनकी जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। पुरुषपुर इसको हिंदी में, या सॉरी, पुरुषपुर का एक और नाम है जो आज आप जानते हैं, पेशावर। पेशावर के नाम से आप उसे आज जानते हैं। फिर इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, बुद्धिज्म। और आपको याद होगा कि फोर्थ काउंसिल, एके में ये फोर्थ के हैं, फोर्थ काउंसिल इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई, पैट्रोनेज किया। चौथी जो परिषद है, संगीति है, वो कनिष्क ने ऑर्गेनाइज की थी, ये आपको याद होगा। देन चरक, अनदर इंपॉर्टेंट फिगर, चरक, चरकाचार्य आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस फिजिशियन है, वो इनके कोर्ट में थे। ये कौन है? फिजिशियन है, वो इनके कोर्ट में थे, इनके जो दरबार में चरक जो थे वो प्रेजेंट थे। तो यहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। देन गंधार आर्ट की बात करें तो पेशावर जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये फ्लरिश हुआ, गंधार आर्ट। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनता है, मैं आर्ट एंड कल्चर की क्लास में आपको ये बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए, ये इंडिया प्लस ग्रीको रोमन, ग्रीको रोमन, इसकी पद्धति का मिलान, मिला हुआ स्वरूप है, गंधार आर्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को क्या किया जाता है, वहां बनाया जाता है, क्लियर है। और जो कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छे से बने होते हैं उनके ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ऑर्नामेंटेशन होता है, सिंबॉलिज्म होता है, और एक्सप्रेशंस इसमें आपको दिखेंगे, और महायान की झलक आपको दिखेगी। महायान, महायान और हीनयान, ये दो आपके क्या थे, बुद्ध के दो आप बोल सकते हैं कि स्कूल्स हैं, महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड हीनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो महायान जो स्कूल है वो क्या करता है, आइडल वर्कशिप को बताता है, बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करता है, बल्कि हीनयान इज वेरी ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स हीनयान, वो पुरातन पंथी है, वो बुद्ध को भगवान ही भगवान मानते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, क्लियर। तो गंधाराट, और यहाँ से आपको देन कनिष्क के बाद, अगर मैं बात करूँ तो कनिष्क के बाद उनका जो सक्सेसर था वो हुआ हुविष्खा। हुविष्खा जो कि उनका बेटा था। और अगर लास्ट रूलर इस शकों की बात करें तो लास्ट रूलर था वसुदेव। वसुदेव जो कि एक शैव थे, और ये फिर क्या हुआ, एम्पायर जो है इनका कम होता गया, छोटा होता गया, ये शैव थे। ओके, ये जैन वाले नहीं थे, बुद्ध नहीं थे, शैवाइट थे, शैव धर्म वाले थे, शंकर भगवान की पूजा करने वाले, शिव को मानने वाले। तो ये आपको कहानी मिलेगी अबाउट द नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया, बाहर से जो आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को अपने अंदर किए। अब हम बात करेंगे संगम युग की, संगम एज। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है संगम एज, ये अनदर इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टॉपिक। संगम का मतलब होता है असेंबली या एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स, तमिल कवियों का एक क्या है, एकेडमी है या उनकी असेंबली है। तीन संगम हुए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों का मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा। फर्स्ट संगम क्या हुआ, कहाँ हुआ, तो मदुरई में हुआ, मदुरई। और इसमें क्या है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि कौन आए थे, तो गॉड्स एंड लीजेंडरी, सेजेस, भगवान लोगों के द्वारा और ऋषि मुनियों के द्वारा, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा ही इन्हें अटेंड किया गया था, ऐसा ये मानना है। देन सेकंड, अगर इसमें इसके कोई भी नो लिटरेचर, इसकी कोई भी अवेलेबल नहीं है। देन सेकंड संगम की बात करें तो ये कहाँ हुआ था, कपादी, कपादापुरम, में हुआ था। सारा का सारा आप देखेंगे तमिलनाडु का एरिया है। देन तमिल ग्रामेरियंस, तमिल ग्रा
मेरियंस ने इन्हें अटेंड किया था। तमिल के क्या थे, वो व्याकरणाचार्य थे। और यहाँ पर एक ही जो जो हमको साक्ष्य मिलता है वो है तोलका पियम। तोलका पियम ये नाम की पुस्तक आपको, या ये नाम का संकलन आपको मिलता है। ये फर्स्ट तमिल ग्रामर बुक है और कौन लिखा है इसे, तोलका पियर लिखा है। ओके, तोलका पियर जो कवि हुए, जो ग्रामेरियन हुए, उन्होंने इसकी रचना की और तोलका पियर नाम की आपको ये बुक मिलती है। संगम में, द्वितीय संगम, सेकंड काउंसिल में। देन थर्ड संगम कहाँ होता है, अगेन मदुरई में होता है, मदुरई में होता है। और इन्हें कौन अटेंड करेंगे, इन्हें बहुत सारे कवि, मैनी पोएट्स एंड तमिल ग्रामेरियंस करेंगे। तमिल के कौन, जो कि ग्रामर वहाँ के तमिल ग्रामेरियन, उनके द्वारा किया गया, व्याकरणाचार्य जो थे। और लिटरेरी वर्क्स जो है इसके, ये है इतु तो गई, इतु तो गई, ये क्या है, एट एंथोलॉजीज हैं। और पट्टू पट्टू, थोड़ा सा ये साउथ इंडियन नाम है, ये नाम याद रखना है आपको। ये दो आपको मिलेंगे, इतु तो गई मतलब एट एंथोलॉजीज और पट्टू पट्टू मतलब 10 इडल्स। इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, मेलक नक्कू, मेलक नक्कू, ये आपको याद रखना है। ऑल द संगम्स वेर हेल्ड अंडर द पांड्यास किंग। अब हम बात करेंगे संगम के रूलर्स की, कौन कौन सी डायनेस्टीज ने वहाँ रूल किया, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। तो अगर आप साउथ इंडिया का मैप देखें तो साउथ इंडिया का मैप कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। तो साउथ इंडिया में जो इधर का जो शासन था, अगर मैं इसको 3 भाग में बांट दूँ तो ये कुछ इस तरह से है और ये इस तरह से। इसको आप एक मानेंगे, बहुत एक्यूरेट तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ दिखेंगे चेरास, यहाँ पर आपको दिखेंगे पांड्यास, और यहाँ पर आपको दिखेंगे चोलास। तो चेर, चोल एंड पांड्य, इनका जो एक्चुअल में रूल था सदर्न इंडिया पर, यही आपको संगम एज में दिखता है। तमिल कंट्रीज की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चेरास को और क्या कहा जाता था, चेरास को कहा जाता था केरला पुत्रास या केरल पुत्रास, ये कहा जाता था। अभी जो केरल का एरिया है वहां पर इन्होंने राज किया। और इनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल थी वो थी वंजी, वंजी इनकी कैपिटल रही। और इनका जो सिंबॉल है, ये कभी कभी पूछता है सिंबॉल, ये क्या है, बो एंड एरो, तीर धनुष इनका सिंबल हो गया। फिर इनका रूलर अगर बात करें तो सेन गुटुवन, ये आपको याद रखना है, उन्होंने पत्नी कल्ट इसकी स्थापना की, मतलब वर्कशिप ऑफ कनगी, कनगी की पूजा। एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, कभी आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वहां से चेर के बारे में हमने देखा, अब हम चलेंगे पांड्यास पर। तो पांड्यास जो थे वो साउथ तमिलनाडु, इस एरिया में, सदर्न तमिलनाडु के एरिया में उनका राज्य था। और इनकी जो कैपिटल थी, हमने अभी देखा कि मदुरई, मदुरई में क्या हुआ था, संगम जो हुए थे, कवियों के संगम, तमिल संगम्स ऑर्गेनाइज हुए थे। तो पांड्यास किंग कहाँ कराएंगे, अपने कैपिटल में कराएंगे। इनका जो सिंबॉल है, सिंबॉल है वो है फिश, मछली, इनका जो राज्य का सिंबॉल है। ये कालभ्रास के कारण यहाँ पर के कुछ जो ट्राइब्स थे, इनके जो एरिया के ट्राइब्स थे जो दोनों के कन्फ्लुएंस में आते थे, उन्हें कालभ्रास कहा जाता था। और उनके इन्वेजन के कारण इनका जो राज्य था वो चला गया। ठीक है, इनके राज्य की एक विशेषता थी कि पर्ल्स, मोती जो थे वो ये क्या करते थे, निकालते थे, या मोतियों का इनके साथ क्या होता था, एक्सपोर्ट करते थे। ये पर्ल्स आर एक्सपोर्टेड, ये इंपॉर्टेंट इनसे जुड़ा हुआ पॉइंट है। देन हम बात करें चोलास का, तो त्रिश्री, त्रिचुई डिस्ट्रिक्ट सदर्न आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपको दिखेगा। और इनका जो कैपिटल है, कैपिटल दैट इज उरैयूर, उरैयूर, या फिर, और बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया पूहर, पूहर। फिर इनका जो सिंबल है,
सिंबॉल दैट इज टाइगर, शेर जो है इनका सिंबॉल है। रूलर्स की बात करें तो एलारा और श्रीलंका को डिफीट किए थे, और कराईकल वो कावेरी नदी के तट पर क्या बनाए, बैंक्स बनाए, किनारों को उन्होंने बनाया और बहुत सारे सरायों का, टैंक्स का निर्माण कराया। तो ये दो चीज आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तो इसमें बहुत सारा है संगम में अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो, लेकिन आपके जो काम की चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। चेर आपको याद रखना है, चोलाज आपको याद रखना है, पांड्याज आपको याद रखना है। हम जब सदर्न किंगडम्स पढ़ेंगे वहां पर चोलास और इंपीरियल चोलास के बारे में और पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये संगम तक का याद रखना है। देन नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होगा गुप्ताज पर, गुप्ता एम्पायर, एंड दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बिकॉज दिस गुप्ता एम्पायर इज कॉल्ड, और गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इसे कहा जाता है। तो देखेंगे कि गुप्ता के गुप्ताओं के राज्यों को स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों दी गई है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।